ऐसा कुछ हुआ है? कितने अवार्ड्स मिले हैं रामचरण को आज तक? क्या लुक है कियारा एंड रामचरण का इस पोस्टर में? कोंडीला रामचरण तेजा साउथ के काफी फेमस एक्टर्स में से एक है एंड उनके साथ साथ वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर भी है। वो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म में भी काम करते हैं। वो फोर्ब्स मैगजीन में इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी फीचर किए गए हैं सिंस 2013। चरण को काफी सारे अवार्ड मिले हैं, उसमें से 3 फिल्म फेयर अवार्ड है एंड 2 नंदी अवार्ड भी है। उनकी RRR की शूटिंग खत्म होते ही वो RC-15 की शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि RC-15 इस फिल्म का वर्किंग टाइटल है, ओरिजिनल नाम शायद से चेंज हो सकता है बाद में। ये फिल्म डायरेक्ट की जा रही है शंकर द्वारा एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं दिल राजू एंड सिरिश। तो दोस्तों, बॉलीवुड एस्ट्रोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म RC-15 के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिल्म में राम के साथ साथ स्टार करने वाली है कियारा आडवाणी। रामचरण एंड कियारा आडवाणी की ये पहली फिल्म साथ होने वाली है और बता दें आपको, दोनों ही इंडिविजुअल काफी ज्यादा फेमस एक्टर्स है। अब इनकी जोड़ी साथ में कैसी लगेगी वो तो हम बाद में ही बता सकते हैं आपको। रामचरण का फर्स्ट डेब्यू हुआ था चिरुता फिल्म से, जिसमें उन्होंने फिल्म फेयर मेल डेब्यू का अवार्ड जीता था। और बता दें, सिंस देन उन्होंने अपने फैंस को आज तक निराश नहीं किया है। उनकी कई हिट फिल्म्स आई है जैसे कि ये बार उतरूवा एंड राजा। राम ने आज तक हर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म्स ही की है एंड अभी भी RC-15 भी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कियारा एंड रामचरण का ड्रेसिंग सेम बताया गया है एंड एकदम डिटेक्टिव लुक दिया गया है दोनों को भी। अब डिटेक्टिव रोल तो राम ने पहले भी निभाया हुआ है, अब इसमें क्या यूनिक एंड डिफरेंट होगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। ये फिल्म रिलीज होगी 3 लैंग्वेजेस में, जो है हिंदी, तेलुगु एंड मलयालम में। अब इस फिल्म में और क्या क्या खास होने वाला है वो जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।